अरे सब एडीएम साहब डीएफ साहब आ रहे हैं या नर्सरी में? कैंसिल हो गए। कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं है, एडीएम साहब का तो एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, वो तो प्लास्टर और चढ़ रहा है उनके। तो आप झूठ बोल रहे हो। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं जाके आया हूँ। और राम प्रसाद को क्यों बुलाया आपने? क्या हो गया बुला लिया आपने? व्यवस्था के हिसाब से, सरकारी काम के लिए थोड़ी बुलाया था। व्यवस्था के हिसाब से बुलाया था आपने? तो दारू पानी या आपकी खुद की सेवा करवाने के लिए बुलाया है। क्या सेवा की उसमें? मैं ये टेबल कुर्सी सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि अधिकारी आके बैठे कुछ करे। आप अदर नाके के फॉरेस्टर को यहाँ बुला बैठा के दारू पी रहे हो। मैंने इसलिए पैसे थोड़ी खर्च करे। मेरी बात इसलिए नहीं, तो ज़्यादा नेतागिरी से कुछ नहीं। नेतागिरी वाले आपका आने का था। हाँ, जो नहीं आए साहब, बात कर लो, तुम बात करो, मैं बात करूँगा। नहीं कर लो बात, मैं करवाता हूँ। तो फिर ये इनका दुरुपयोग कर रहे हो आप। मैंने मैंने 2200 रुपये इसलिए खर्च थोड़ी करे हैं कि आप मतलब यहाँ ये टेबल या तुम्हारे क्या हो गया? ये अवैध खनन करता है ये ट्रैक्टर वाला, इसको बुला के आप इनसे दारू मंगवा के ये मेरी गांठ में से टेबल कुर्सी लाया हूँ मैं, और इन पे बैठा के आप ये अदर नाके को फॉरेस्टर को मेरे नाके में बिठा के आप दारू पी रहे हो यहाँ बैठ के। अरे तू क्यों धकेल, तू क्यों धकेल रहा है पंतु में? हाँ बोलो बोलो। अरे तो छोड़ छोड़ दूसरे के। बोलो बोलो राम जलाल जी, कर लेने दे तू। अरे तो भाई ये यहाँ नर्सरी में इनको मतलब ये फॉरेस्टर वोरेस्टर ये दारू पानी पियेंगे बैठ के, इसलिए थोड़ी लाया हूँ मैं। नर्सरी टेबल कुर्सी देखिए, नर्सरी पे आए हो क्या? मैं डेली आता हूँ। वो एक भी दिन नहीं आए। मैं डेली आता हूँ, हमारे साइन नहीं है नर्सरी पे। नहीं अभी नहीं आते तुम। मैं तुम्हें रजिस्टर चेक नहीं किया नर्सरी का। मैं ऑथराइज नहीं हूँ, आप हो ना। मैं लोकेंद्र सिंह गुजर, वनपाल नाका कुंडल, रेंज दौसा, उप वन संरक्षक दौसा। आज दिनांक 7 अगस्त 2020 को समय लगभग शाम के 5 बजे श्रीमान क्षेत्र में अधिकारी बबुल राम मीणा जी का मेरे पास फ़ोन आया कि कुछ उच्च अधिकारी और जिले के कुछ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नर्सरी पे शाम को 7 बजे विजिट करेंगे, तो आपको यहाँ के इनके अधिकारी को बैठने के लिए 4 कुर्सियाँ और एक टेबल खरीद के लानी है। तो मैंने तुरंत 4 कुर्सियाँ और टेबल खरीद के लाया और नर्सरी में ला के रखवा दी गई। कुछ समय पश्चात मुझे पता चला कि श्रीमान क्षेत्र वन अधिकारी बबलू राम मीणा जी और सदरना का फॉरेस्टर रामजीलाल मीणा जी दोनों बैठ के और एक अवैध खनन करता है जिसके 5-7 ट्रैक्टर चलते हैं, उसके पास जेसीबी भी है। ये अवैध खनन करता अधिकारी से मिला जुला हुआ है, तो इसको बुला करके और दारू पानी जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं वो सारी चीज़ें मंगा करके और उन टेबल कुर्सियों पर बैठ करके और दारू पी रहे हैं, ऐसी मुझे सूचना लगी। और रेंजर साहब ने मेरे नाके के फॉरेस्ट गार्ड राम प्रसाद मीणा को बुलाया और कहा कि नर्सरी में पहुंचो जल्दी, तो उसको बुला करके और उसको भी ये दारू पानी की सेवा के लिए बुला लिया। फिर उसने कहा कि आज मेरी पत्नी का व्रत है और मैं इन चीज़ों के हाथ नहीं लगाता, यह कहकर वो वहाँ से चला गया। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि श्रीमान बबलू राम मीणा जी क्षेत्र वन अधिकारी दौसा अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो उसने एक गार्ड जो कि सरकार की सेवा करने के लिए है, विभाग की सेवा करने के लिए है, उसको बुला करके अपनी सेवा करने के लिए बुलाया गया। दूसरी बात, मुझे गुमराह किया गया और गुमराह करके मेरी जेब से मैंने 2200 रुपये खर्च करके 2250 रुपये खर्च करके 4 कुर्सियाँ और टेबल लाया, तो उन पर सदरना का फॉरेस्टर को बुला करके और अवैध खननकर्ताओं को बुला करके और दारू मंगवा करके दारू पी रहे हैं। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैं उनके पास आया और उनसे इस मामले में सवाल जवाब किया कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो रेंजर साहब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने लगे कि आप नाके पर उपस्थित नहीं रहते, जबकि मैं यहाँ डेली आ रहा हूँ और वन क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं हम। और रेंजर साहब ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि मैं बंदी लेता हूँ ट्रैक्टर वालों से इस तरह से, जबकि अवैध खननकर्ताओं को खुद बुला करके और दारू मंगवा करके दारू पी रहे हैं।
इस तरह की कुछ एक अवैध गतिविधियाँ भी इन्होंने पहले भी किए हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूँ।